अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल्स अपनी स्टार्ट करेंगे एंड एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स. ठीक है, चैप्टर के अंदर जो एग्जांपल्स गिवन होती हैं आप उसको मस्ट करें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि एक्सरसाइज में से नहीं बल्कि एग्जांपल्स में से क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नहीं सॉरी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं. 6.1 से हम स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट वन इज द अ गर्ल कैरीज अ 10 किलोग्राम बैग अपस्टेयर टू अ हाइट ऑफ 18 स्टेप्स ईच 20 सेंटीमीटर हाई. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क शी हैज़ टू डन टू कैरी द बैग. ठीक है, अब एक गर्ल है, ठीक है, उसके पास जो वेट है दैट इज़ द 10 किलोग्राम, उसने उस वेट को ऊपर लेके जाना है स्टेयर्स पे. ठीक है, अब स्टेयर्स के कितने स्टेप हैं, 18 स्टेप हैं. ठीक है, जो स्टेप्स बने होते हैं इस तरह स्टेयर्स के, तो ये उसके स्टेप्स हैं 18. ठीक है, ये स्टेप्स 18 है एंड हर एक स्टेप दूसरे स्टेप से 20 सेंटीमीटर की हाइट पे है. ठीक है, इस तरह से ये 20 सेंटीमीटर की हाइट पे हर एक स्टेप प्रेजेंट है. ठीक है, अब सेकेंडली हमने क्या करना है, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से, क्योंकि हर एक की दूसरे से हाइट 20 सेंटीमीटर है. ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क शी हैज़ टू डन टू कैरी द बैग एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन. ठीक है, वर्क डन फाइंड आउट करना है कि उस लड़की को वेट जो वो लेके जाना चाह रही है एंड इट्स 10 kg. ठीक है, ये 10 kg वेट को गर्ल अपवर्ड लेके जाना चाह रही है. ठीक है, एंड स्टेयर की क्वांटिटी कितनी है, दैट इज 18 एंड हर एक स्टेयर दूसरी से 20 सेंटीमीटर की हाइट पे प्रेजेंट है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन. सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने गिवन डेटा से. ठीक है, गिवन डेटा में अभी हमने पढ़ा कि क्या है. सबसे पहले हमें वेट गिवन है, मास, मतलब कि मास है हमारे पास 10 किलोग्राम. ठीक है, दैट वाज नॉट वेट, दैट वाज मास. ठीक है, मास था 10 किलोग्राम जो लड़की ने अपवर्ड लेके जाना है. ठीक है, अब स्टेप्स कितने हैं, स्टेप्स हैं हमारे पास 18. ठीक है, हाइट हमें दी गई है, हाइट ऑफ ईच स्टेप इंडिविजुअल स्टेप 20 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसका फॉर्मूला क्या है. ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन अपना कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W=FS. ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ के आपको फोर्स गिवन है, अगर नहीं है तो किस तरह से हम फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो फोर्स का अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं. फोर्स क्या हो सकती है, फोर्स इज इक्वल्स टू वेट. ठीक है, फोर्स क्या होता है, बेसिकली वेट के इक्वल होता है एंड वेट क्या है, mg. नाउ अब यहाँ पे देखें कि आपको मास गिवन है, डेफिनेटली मास गिवन है एंड आपको आगे जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में भी गिवन है कि जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स मास भी गिवन है एंड जी की वैल्यू भी गिवन है, तो आप इजीली एफ फाइंड आउट कर सकते हैं. किस तरह से, अब हम इसमें जस्ट वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, मास इज 10 एंड जी इज ऑल्सो 10. सो फोर्स हमारे पास आ जाएगी 100 न्यूटन. ठीक है, अब हमारे पास फोर्स तो आ गई, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस. ठीक है, वो डिस्टेंस जो कि फोर्स लगाने में बॉडी ने उसी फोर्स की डायरेक्शन में कवर किया. ठीक है, सो अब यहाँ से हमें पूरा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 18 स्टेयर्स तक. इट मीन्स कि ग्राउंड से लेके, ये था ग्राउंड हमारा. ठीक है, यहाँ से लेके 18 स्टेप कवर करने के बाद जितना भी डिस्टेंस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हाइट गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर. ये हाइट थी कि बॉडी ने ग्राउंड से अपस्टेयर्स में डायरेक्टली जितना सफ़र होगा हमने उसको हाइट का है. ठीक है, और यहाँ से जो कवर करेगी बॉडी या गर्ल जो कवर करेगी आफ्टर 18 स्टेप्स दैट विल बी द डिस्टेंस. ठीक है, सो हमारे पास है हाइट 20 सेंटीमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल 20 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर्स जो है वो एक बेस यूनिट नहीं है. सो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर इन मीटर्स. ठीक है, सो मीटर्स में करने के लिए इस तरह से हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं.
इट विल गिव 0.2 आंसर. ठीक है, 0.2 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा. सो अब हमारे पास क्या हुआ है कि हाइट जो है वो मीटर्स में आ गई है, स्टेप्स हमारे पास गिवन है. जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो इट मीन्स कि हमने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है हमने उस चीज़ को फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे हमारे पास हमें गिवन है कि 18 स्टेप हैं स्टेयर्स के. ठीक है, इट मीन्स कि जो लड़की ने अपवर्ड जाना है वो 18 स्टेप्स को कवर करके जाना है और हर स्टेप का दूसरे स्टेप से 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर का डिस्टेंस है. तो हमें डिस्टेंस किस तरह मिलेगा, इन इस 18 को इंडिविजुअल हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, एक एक स्टेप को जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उनको ऐड करेंगे तब भी हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा. या जो हमें टोटल स्टेप्स की क्वांटिटी गिवन है लाइक 18, उसको हम उस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा. अब हम डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एस फाइंड आउट करना है तो हमारे पास जितने टोटल स्टेप्स हैं दैट इज 18. ठीक है, 18 स्टेप हैं और 18 को हम 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हाइट 0.2 है. देन वी गेट द डिस्टेंस. सो 18 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से देन वी गेट 3.6 आंसर. ठीक है, सो डिस्टेंस विल बी इन मीटर्स. ठीक है, एंड इट विल बी 3.6. सो अब आपके पास क्या आ गया, फोर्स भी आ गई एंड डिस्टेंस भी आ गया. और फोर्स किस तरह से आई, एम जी के फॉर्मूले से. ठीक है, मैस आपको गिवन था एंड जी भी गिवन था. एंड हम लोगों ने डिस्टेंस किस तरह फाइंड आउट किया कि 18 स्टेप्स जितनी हमारे पास टोटल क्वांटिटी थी स्टेप्स की उसको मल्टीप्लाई कर दिया है उस हाइट से. ठीक है, हर एक स्टेप जो हाइट कवर कर रहा था दैट वॉज इक्वल एंड इट वॉज 0.2 मीटर. सो टोटल स्टेप्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया उस हाइट से देन वी गेट द डिस्टेंस. सो लड़की को 3.6 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, फोर्स उस पर लग रही है 100 न्यूटन की. सो वर्क डन उसने कितना किया है, जस्ट सिंपली इस फॉर्मूला में अब हम पुट करेंगे वैल्यूज एंड किस तरह से W इज इक्वल्स टू 100 इंटू 3.6. सो 100 इंटू 3.6 विल बी 350 जूल्स. सो हमने जो वर्क डन करवाया है दैट इज 360 क्योंकि 3.6 है. सो 360 जाउल हमारे पास आंसर आ जाएगा. और ये था हमारा एग्जांपल नंबर 6.1 जिसमें हमें मास गिवन था 10 किलोग्राम, स्टेप्स थे 18 एंड हाइट गिवन थी इन सेंटीमीटर दैट वाज 20 सेंटीमीटर. पहले तो हमने इसे मीटर्स में कन्वर्ट किया, देन हमें जस्ट वर्क डन फाइंड आउट करना था, वर्क डन का फॉर्मूला निकाला. हमारे पास दोनों चीज़ें ही ऐसी थी जो हमें फाइंड आउट करनी थी. सो एफ को हमने फाइंड आउट कर लिया एम जी के फॉर्मूले से एंड एस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस जितने स्टेप्स हमें गिवन थे एंड उनकी हाइट को मल्टीप्लाई करके हमने मीटर्स में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया. एंड देन जब दोनों को मल्टीप्लाई किया वी गेट 360 जाउल वर्क डन. सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 6.2. एग्जाम्पल एंड इट इज अ स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. How much is the kinetic energy of the stone at the time it strikes the ground? So, हमें mass given है stone का, पत्थर का, and it is 500 grams. And then next thing is velocity. Velocity is 20 meter per second, and we have to find out the kinetic energy. Given data में हमारे पास given है एक जो stone है 500 gram का, वो स्ट्राइक किया है ग्राउंड के साथ. ठीक है, एंड उसकी वेलोसिटी कितनी थी जब वो स्ट्राइक किया, दैट वाज 20 मीटर पर सेकेंड. सो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है जब स्टोन जो है हिट कर देगा ग्राउंड को. सो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एंड काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से ही स्टार्ट करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है. काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. इट मीन्स हमारे पास यहाँ मास भी गिवन है एंड वेलोसिटी भी गिवन है, दोनों चीज़ें गिवन है, बट हमारे पास जो मास है दैट इज़ इन ग्राम्स एंड ग्राम जो है वो एक बेस यूनिट नहीं है. सबसे पहले हम ग्राम को किलोग्राम्स में चेंज करेंगे बाय डिवाइडिंग विद 1000.
इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे एंड वी गेट 0.5 किलोग्राम. सो 0.5 किलोग्राम अब हमारे पास मास आ चुका है स्टोन का एंड ग्राम्स क्योंकि बेस यूनिट नहीं था इसलिए किलोग्राम में इसको फर्स्टली कन्वर्ट किया. अब सिंपली दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे एंड देन वी गेट द काइनेटिक एनर्जी. सो हाफ मास इज 0.5, वेलोसिटी इज 20 का स्क्वायर. सो इससे हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 0.5 इनटू 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, देन वी गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 100 जूल्स. सो ये थी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी. जब हम लोगों ने एक स्टोन लिया जिसका मास था 500 ग्राम, पहले तो उसको कन्वर्ट किया 0.5 किलोग्राम में एंड उसको स्ट्राइक करवाया, हिट करवाया ग्राउंड के साथ विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. एंड जब वो हिट कर गया उस टाइम पे हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की बाय द फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर एंड वी गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 100 जूल. सो अब हम एग्जाम्पल नंबर 6.3 स्टार्ट करेंगे. Example 6.3. A body of mass 50 kilogram is raised to the height of 3 meter. What is its potential energy? So, अब हमें potential energy find out करनी है एक body जिसका mass है 50 kilogram. उसको some height पे ले जाया गया है, that is 3 meters. ठीक है? So, एक body है, let's suppose एक ball ही ले लेते हैं हम, and उसका mass है 50 kilogram. ठीक है, ये ग्राउंड पे पड़ी थी, इसको हम हाइट पे ले गए हैं एंड हाइट की वैल्यू गिवन है दैट इज 3 मीटर्स. सो जब जैसी जो चीज़ हाइट पे जाती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है तो हमें इसमें पोटेंशियल एनर्जी ही फाइंड आउट करनी है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. सो गिवन डेटा में आ जाएगा पहले तो मास ऑफ बॉडी जो कि गिवन है दैट इज 50 किलोग्राम. सेकेंड थिंग इज हाइट. Height is equals to 3 meter and we have to find out the potential energy. So solution में जो चीज़ find out करनी है सबसे पहले उसी के formula को देखेंगे. So potential energy equals to mgh. ठीक है, mass भी given है, height भी given है and g की value constant होती है that is 10 meter per second. So simply हम इस सब में values put करेंगे and we get the required answer. And 2, 3. यस. सो इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 1500 जूल. ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1500 जूल्स. सिंपली हमने क्या किया, एक मास जो था दैट वाज 50 किलोग्राम उसको हाइट पे ले गए, हाइट थी 3 मीटर्स. सो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एम जी एच. जस्ट वैल्यूज पुट की एंड देन वी गेट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1500 जूल्स.